साथियों, आप सभी मध्यम वर्ग के लिए सही कीमत पर अच्छे घर बना पाए इसके लिए इनकम टैक्स में भी छूट दी गई है। साल 2016 में सेक्शन 80 IBA जोड़ा गया था, जिसके तहत अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के प्रॉफिट में 100% डिडक्शन का प्रावधान किया गया। अब ऐसे प्रोजेक्ट को पूरा करने की समय अवधि को भी 3 वर्ष से 5 वर्ष किया गया है। इसी वर्ष अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के अप्रूवल के लिए टाइम पीरियड को 31 मार्च 2019 के बजाय 1 साल यानी आगे 31 मार्च 2020 तक कर दिया गया। अनसोल्ड इन्वेंट्री की भी समस्या को ध्यान में रखते हुए नेशनल रेंटल इनकम पर अब 2 वर्ष तक टैक्स नहीं लिया जाएगा। ऐसे अनेक प्रावधान मध्यम वर्ग के घरों को बल देने के लिए बीते 4.5 वर्ष से किए जा रहे हैं। साथियों, रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर के लिए फंड की कमी ना हो इसके लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। 2 वर्ष पहले ही रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को डेट मार्केट से फंड जुटाने की परमिशन दी गई थी। ऐसे ट्रस्टों को 2017 से ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स से छूट दे दी गई है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को विदेशों से फंड जुटाने में आसानी हो इसके लिए सेक्टोरल रिमिट को भी पिछले वर्ष हटा दिया गया है। साथियों, ये तमाम प्रयास मध्यम वर्ग के घरों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देने के लिए तो किए ही जा रहे हैं, साथ में रोजगार निर्माण को भी इनसे बल मिला है। इस सेक्टर में करोड़ों साथी काम कर रहे हैं जो अधिकतर अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा है। घर के निर्माण में जुटे इन परिवारों के लिए सरकार एक बहुत बड़ी योजना इस बजट में लाई है। अब 15,000 रुपये महीना से कम कमाने वाले इन साथियों को 60 साल के बाद 3,000 रुपये तक की पेंशन तय है। इस योजना से जुड़ने के लिए इन श्रमिक साथियों को एवरेज 100 रुपीज हर महीने जमा करने होंगे और उतने ही पैसे केंद्र सरकार उनके पेंशन खाते में जमा करेगी। साथियों, मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप आपके बिजनेस को देश के मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा करने वाले इन साथियों का भी आप अवश्य ध्यान रखें। आप इनको इस पेंशन योजना से अगर जोड़ने के लिए अपनी तरफ से भी योगदान दें, मैं समझता हूं इसी तरह आप ये भी देखेंगे कि आपके ये साथी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना के अवश्य जुड़े हैं। ये देखना चाहिए, 90 पैसों का इंश्योरेंस है जी। कभी कभी एक मित्र के साथ बात करते करते गाड़ी चालू रखते हुए तो फालतू में आप इतना पेट्रोल जला देते हो। अगर आप अपने साथियों का इतना सा कर लें, उसके जीवन में कोई संकट आएगा तो 2-2 लाख रुपए के इंश्योरेंस उसके परिवार को कितनी बड़ी ताकत दे देते जी। 1000 करोड़ रुपए ऐसे परिवार को पहुंच चुके हैं इस योजना से, करोड़ों परिवार इससे जुड़े हैं। आप देखिए कि आपके यहां वो गरीब परिवार, उसको इसका ज्ञान है क्या? आप उसको फायदा दिलवाइए, सरकार देने के लिए तैयार है। ये प्रयास सामाजिक दायित्वों को लेकर आप जो काम कर रहे हैं उनको और नया विस्तार देंगे। मुझे बताया गया है कि आप गरीब बच्चों की शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट से लेकर स्वच्छ भारत अभियान तक अपना योगदान दे रहे हैं। मैं इसके लिए आपको हृदय से बहुत बधाई देता हूं।